हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम बेसन के किट्टी की सब्जी बनाएंगे। बेसन के गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में 1.5 कप बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच तेल डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे हम थोड़ा टाइट डो ही बनाएंगे। डो बनकर तैयार है, अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुकी हैं, हमारा डो भी तैयार है। अब हम हाथों को चिकनाई देने के लिए थोड़ा सा तेल ले लेंगे और डो को दोबारा से गूंथ लेंगे। अब इसकी लोइयां बना लेंगे। अब इन लोइयों को लंबा आकार दे देंगे। इसी तरीके से बाकी लोइयों को भी लंबा आकार दे देंगे। गट्टे के लिए रोल तैयार हो गए हैं। हमने पहले ही पानी को उबलने के लिए रख दिया था। अब हम सारे रोल को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। और धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। दस मिनट हो चुकी हैं, अब गैस बंद कर देंगे और सारे रोल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम सब्जी बनाएंगे। इसके लिए टमाटो प्यूरी तैयार करेंगे। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए 3 टमाटर, 4 हरी मिर्च और 1 अदरक के टुकड़े को मिक्सी में पीस लेंगे। टमाटो प्यूरी बन चुकी है, अब हम सब्जी बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और टमाटो प्यूरी डालकर चला लेंगे।
अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसे ढककर पकने देंगे। अब हमने गट्टे के लिए जो रोल बनाए थे उनको इस तरीके से काट लेंगे। सारे रोल कट गए हैं, अब हम सब्जी को देख लेते हैं। अब इसमें आधा कप दही डालेंगे और सभी में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक, डेढ़ चम्मच गरम मसाला डालकर मिला लेंगे। अब जिस पानी में हमने रोल पकाए थे उस पानी को इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे। सब्जी उबल चुकी है, अब हम इसमें गट्टे डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। अब इसमें लास्टली कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर गैस बंद कर देंगे। बेसन की गट्टी की सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।